हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया रेसिपी जो है बहुत ही फेमस हमारा स्वीट रेसिपी रसमलाई। तो इस गर्मी के दिनों में कौन नहीं चाहेगा इस ठंडी ठंडी रसमलाई का लुफ्त उठाना। और ये रसमलाई मैंने बनाया है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। इसमें मुझे सिर्फ लगा है 1.5 लीटर मिल्क, थोड़ा सा शुगर और केसर। इसी में आप बना सकते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं हमारी ये रसमलाई। छेना बनाने का बहुत सारे तरीके हैं और उस तरीके के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड्स करती है। जैसे आप नींबू के रस से छेना बना सकते हैं, आप विनेगर से बना सकते हैं, आप छेने के पानी से छेना बना सकते हैं और उसके ऊपर छेने के क्वालिटी या उसका प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी रस मलाई के लिए जो छेना बनाएंगे वो छेने का पानी जो हमारे पास रखा हुआ था उसी से हम लोग छेना बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे प्रॉपर तरीके से छेने के पानी से छेना बनाया जाता है। छेना बनाने के लिए आप हमेशा फुल फैट मिल्क को ही प्रेफर कीजिएगा, इसमें छेना का क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बनता है। हमने दूध को पैकेट से बर्तन में कर लिया है, अब इसको कुछ देर के लिए हम लोग आँच पर रखेंगे। हमने दूध को आँच में ले लिया है, अब इसको चलाते रहेंगे और एक बॉयल आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में छेने का जो बचा हुआ पानी है उसको ऐड करते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो छेना होगा बहुत ही सॉफ्ट छेना बनेगा जिससे कि मिठाई अच्छी बनेगी। देखिए हमारे मिल्क में अभी बॉयल आ रहा है। मिल्क में बॉयल आ गया है, अभी इसमें हम लोग धीरे धीरे करके गैस बंद करने के बाद धीरे धीरे करके हम लोग इसमें जो छेने का पानी है वो ऐड करते रहेंगे और इसको चलाते रहना बहुत ही जरूरी है। देख लीजिए हमारा ये पानी और छेना धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और कितना ज़्यादा हमारा छेना यहाँ पर निकला है थोड़े से दूध से। चलिए हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। छेने को ड्रेन करने के लिए हमने एक ऐसा एक सेटअप ले लिया है जिसको हमने किचन सिंक में रखा हुआ है। अब इसमें एक सफ़ेद कपड़ा ले लेंगे और हमारे जो छेने का और पानी का जो घोल है इसमें डाल देंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से ये सब हो जा रहे हैं। ये बहुत ही गर्म रहेगा तो आप थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा और इस तरह से हल्के हाथों से जो एक्स्ट्रा आपको पानी रहेगा उसको निकाल दीजिए। ज़्यादा आपको हार्डली इसको नहीं करना है, आराम से सॉफ्ट हाथों से ही करना है क्योंकि हमें एक सॉफ्ट नरम छेना ही चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर से हम लोग वॉश कर लेंगे। वॉश करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो खट्टापन रहता है छेने का वो इजीली वॉश ऑफ हो जाएगा। छेना को वॉश करने के बाद हमने इसी सेम कपड़े को ही एक जगह पे लटका दिया था जिससे धीरे धीरे करके इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज रहेगा वो निकल जाए। तो आधा घंटा हो चुका है, अभी इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा क्वांटिटी में हमारा ये छेना आया है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी है। चलिए अब इसको तैयार कर लेते हैं। अब छेना को हम लोग हल्के हाथों से तोड़ लेते हैं। देख लीजिए हमारा छेना कितना सॉफ्ट हो गया है। लेकिन अब ये जो वर्क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम हथेली की मदद से अच्छे से मिलाते रहना है। इसमें क्या हो जाएगा कि छेना को जब आप सिरप में डालेंगे उबलते हुए तो उस टाइम ये टूटेगा नहीं और बहुत ही स्पंजी बनेगा। तो इसलिए ये स्टेप आपका बहुत ही जरूरी है।
छेना हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मैदा ऐड कर लेंगे। ये मैदा हमें बाइंडिंग के लिए हेल्प करेगा, जिससे क्या है जब आप उबलते हुए सिरप में हम इस छेने के पेड़े को डालेंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो चलिए इसको फिर से एक बार अच्छे से मिला के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है। चलिए अब इसका पेड़ा बना लेते हैं। रसमलाई का पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 इवन बॉल्स बना लिए हैं। अब इसको हाथों की सहायता से मैं इसका शेप दे दूंगा अच्छे से। अब तो इस छेने का पेड़ा बनाने का सबसे इजी है कि आप इस तरह से हथेली की मदद से आप अच्छे से इवनली गोल बना लीजिए और फिर हल्का हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये इवन पेड़ा बन जाएगा। देख लीजिए इस तरह से आपको सभी पेड़े बना लेना है। ये देख लीजिए हमारा सभी पेड़ा तैयार हो गया है। अब हम चलेंगे शुगर सिरप बनाने के लिए। पेड़ा बनाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो भी साइज हमने बनाया है ये फुल के डबल होने वाले हैं। अब हम लोग शुगर सिरप बनाएंगे यहाँ पर, और इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है ये 1 कप शुगर और ऐड करेंगे 3 कप पानी। इसका रेशियो बहुत ही सिंपल है, जस्ट 1 कप शुगर और 3 कप पानी। अब इसको चलाते रहना है उबाल आने तक। शुगर सिरप को अब हमको चलाते रहना है और आंच को हमको हाई फ्लेम में रखना है। देखिए चाशनी में हमारा बॉयल आ चुका है। अब इसमें धीरे धीरे करके एक एक करके हम पेड़ा छोड़ देंगे। चाशनी जस्ट नॉर्मल चाशनी रहेगा, इसको एक तार वाला या दो तार वाला चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चाशनी में पेड़ा ऐड कर देते हैं। अब इसको धीरे धीरे ऐड करना है, सब पेड़े को एक साथ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे क्या हो जाएगा कि आपका टेम्परेचर, चाशनी का टेम्परेचर सडनली डाउन हो सकता है, जो कि हमें मेंटेन रखना है। इसीलिए धीरे धीरे हमें एक एक करके ऐड करता रहना है। हमारा सभी पेड़ा ऐड हो चुका है। अब इस हाई फ्लेम में ही हमें इसे ढक देना है और इस तरह से 8 मिनट तक हमें ये रखना है। 8 मिनट हमारा हो चुका है। अब हम ढक्कन उठा लेंगे। देख लीजिए हमारा जो पेड़ा का साइज है वो ऑलमोस्ट फुल के डबल हो चुका है। अब बिना ढके हम लो फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट के लिए रखेंगे और मीनवाइल इसे हम लोग पलट देंगे। 3 मिनट हो चुका है। अब फ्लेम को मीडियम में रख के हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो गया है, अब ढक्कन हटा लेंगे। रसमलाई का मलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर मिल्क ले लिया है। इस मिल्क को चलिए अब गैस पे चढ़ा देते हैं। दूध को हमने गैस पे चढ़ा लिया है। अब इस पे हम लोग 1 पिंच केसर ऐड कर देंगे। दूध को इस तरह से चलाते रहना है। ये जो हमने केसर ऐड किया है ये जस्ट हमारे रसमलाई में कलर ऐड करेगा, इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने प्रेफरेंस से डाल सकते हैं। हम इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कंडेंस मिल्क में बहुत ज़्यादा मिठास होता है, तो आपके पसंद के हिसाब से आप शुगर ऐड कीजिए। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, कलर भी इसमें अच्छा आ गया है। इसमें देखिए हमारा मलाई दिख रहा है आपको। अब इस स्टेज में हमें ऐड कर लेना है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिए, जितना आपको जरूरत है। देख लीजिए हमारा रबड़ी परफेक्टली एकदम तैयार हो चुका है। अब चलिए इसका रसमलाई बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है एक कंटेनर। अब इसमें हम लोग जो हमने छेना का पेड़ा बनाया हुआ था उसको एक एक करके ऐड कर देंगे। देखिए छेने के पेड़े को यहाँ पर हमने हल्का सा रस निचोड़ के यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब जो गरम गरम हमारा रबड़ी तैयार है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पेड़ा है वो रबड़ी को, मलाई को अच्छे से
सोक कर लेगा, जिससे ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। इस तरह से आप धीरे धीरे ऐड कर दीजिए। देख लीजिए ऊपर से आपको मलाई दिख रहा होगा, तो दूध को आपको हल्का से यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा करना जरूरी है रसमलाई को अच्छा बनाने के लिए। लास्ट में हम थोड़ा सा केसर ऐड कर देंगे सभी के ऊपर में। ये जस्ट हमें डेकोरेशन के लिए ऐड करना है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, एक सुंदर एक कलर देता है। केसर ऐड करने के बाद हम इसे रख देंगे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, और फिर इसको हम फ्रिज पे प्लेस कर देंगे, क्योंकि रसमलाई का असली मज़ा तो ठंडे में ही आता है। गर्मी के दिनों में आप इसे ठंडे ठंडे रसमलाई को एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ।